नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माँ कामाख्या शक्ति रजवंती योगिनी की कथा भाग एक में अभी तक आपने जाना कि कैसे एक साधु देवी के रजस्वला स्वरूप की सिद्धि के लिए वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन उनकी सिद्धि वह प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कारण था एक देवी का बीच में आना, और वह देवी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए देवी के गदा के प्रहार से तांत्रिक दूर जाकर गिरता है। इस बात से तांत्रिक बहुत क्रोध में आ जाता है, और तब तांत्रिक को यह एहसास होता है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती है, इसे हराने के लिए किसी विशेष बल या शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि सीधे मंत्रों का इसमें प्रयोग करने पर भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर तांत्रिक बल काम नहीं आएगा। ऐसे में मुझे कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो इससे युद्ध कर सके, और अगर यह युद्ध होता है उस दौरान मुझे मौका मिल जाएगा और देवी के रजस्वला स्वरूप को प्राप्त कर पाऊंगा या उनकी सिद्धि कर पाऊंगा। इसी के लिए तांत्रिक साधु एक क्षण कुछ देर सोचता है, और फिर वहां से थोड़ी दूर नीलांचल पर्वत पर एक गुप्त स्थान में चला जाता है। वहां पर वह अपने गुरु को पुकारता है। उसका गुरु, जो कि अदृश्य अवस्था में सदैव उसके साथ रहता था, उसकी पुकार सुनकर वहां पर आ जाता है। आकाश में प्रकट होकर वह पूछता है कि आखिर तूने मुझे इतने वर्षों के बाद क्यों याद किया है, मुझे यह बताओ कि तुमने आखिर इतने दिनों बाद मुझे याद करने का उद्देश्य क्यों मनाया है। जरूर कोई ऐसी परेशानी या शक्ति है जिसकी वजह से तुम परेशान हो और मेरी सहायता चाहते हो। तब उस तांत्रिक साधु ने कहा, गुरुदेव आपका यह कथन पूरी तरह सत्य है। मैं असल में अपनी तांत्रिक विद्या में तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के दौरान मुझे पता चला कि यह कामाख्या पीठ क्षेत्र देवी सती का एक दुर्लभ सिद्ध पीठ स्थल है, और यहाँ पर देवी का कामाख्या स्वरूप विद्यमान है। लेकिन अचरज तो मुझे तब हुआ जब सिद्धियों के कारण मुझे पता चला कि देवी कुछ समय के लिए रजस्वला होती है, अर्थात उनका कोई स्वरूप साक्षात रूप में यहाँ पर विद्यमान होता है। सिर्फ ऊर्जा के रूप में ही नहीं, बल्कि साक्षात रूप में यहाँ पर वह आता है, और इसी साक्षात स्वरूप में देवी का रजस्वला होने के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में स्वयं ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल रंग की हो जाती है। इसी श्राव की वजह से पूरा क्षेत्र लाल हो जाता है। मुझे जब इस बात का पता चला तो मुझे यह पता भी हो गया कि अगर मैं देवी के इस स्वरूप को सिद्धि कर लूं तो मुझे अद्भुत तरह की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। बस यही विचार था जिसकी वजह से मैं तुरंत ही अपनी गोपनीय साधनाओं को छोड़कर इस क्षेत्र में आ गया। मैं बिल्कुल रजस्वला होने के कुछ समय पहले ही यहां पहुंचा था, और जैसे ही देवी का रजस्वला स्वरूप प्रकट होता है उसकी निशानी और चिन्ह के रूप में बहता हुआ लाल रंग का पानी मैं देखता हूं, और मैं उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता हूं, तब कोई शक्ति है जो आकर मुझे रोक लेती है। यह शक्ति मुझे देवी का ही कोई अंश लग रही थी, पर किंतु मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं तो मैं उसे रोक सकता था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने इससे युद्ध किया तो मैं पराजित हो गया। उसकी एक ही गदा के वार से मैं दूर जाकर गिरा। इससे यह तो स्पष्ट है कि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी इसी शक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं इसे कैसे युद्ध में हरा सकता हूँ। तब उसके गुरु ने उससे कहा, यह शक्ति स्वयं देवी माता कामाख्या की एक सेविका योगिनी शक्ति है। इसके विषय में तुम भविष्य में अवश्य ही सारी जानकारी प्राप्त कर पाओगे, लेकिन किसी योगिनी से लड़ने के लिए तुम्हारे पास भी उतनी ही शक्तिशाली कोई योगिनी अथवा यक्षिणी शक्ति होनी चाहिए, तभी तुम उसके सामने कुछ देर टिक पाओगे। अन्यथा ऐसी शक्तियाँ बहुत प्रबल और शक्तिशाली होती है, और देवी की भी अशांत अवस्था की यह जनक है, और इस अशांत अवस्था और पीड़ादायक समय जब
कोई भी स्त्री अपने मासिक धर्म से गुजर रही होती है तब वह बहुत जल्दी क्रोधित हो सकती है। इसीलिए कितनी भी शांत माता कामाख्या हूँ किंतु इस वक्त उनके इस स्वरूप का प्रभाव और असर होने के कारण ही उनके प्रभाव से यह शक्ति उत्पन्न हुई होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक विद्या सिखाता हूँ, एक योगिनी को हराने के लिए एक शक्तिशाली यक्षिणी की साधना बताता हूँ। यह साधना मैंने अपने गुरु से सीखी थी, इसे कपाल यक्षिणी साधना कहते हैं। यह सिद्ध होने में केवल मात्र 3 प्रहर का समय लेगी। तुम्हें पहले से सिद्धि प्राप्त है, इसलिए यह साधना सिद्ध होने में ज्यादा समय भी नहीं लगाएगी। उसकी गोपनीय विधि और सारा ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार उस व्यक्ति के गुरु ने उस साधु को कपाल यक्षिणी की साधना का विधान दे दिया। उस तांत्रिक साधु ने तुरंत ही एक कपाल को प्राप्त किया, उसका सिद्धिकरण किया। उसे जागृत करने के बाद वह शमशान भूमि में ले जाकर उसे 3 प्रहर में सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। अंतिम प्रहर के वक्त अचानक से जहाँ बैठ कर वह साधना कर रहा था वह क्षेत्र जागृत हो जाता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं, पर किंतु वह तांत्रिक साधु इन सब चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराता है, क्योंकि उसके लिए यह चीजें नई नहीं थी। वह पहले से ही विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाएं करता रहता था और उसे यह ज्ञान था कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनुभव और शक्तियों से होने वाले उपद्रव ये सारी चीजें होती ही रहती। इसलिए उसने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। भूत प्रेतों की एक सेना आकर उसे पीटने और मारने लगती है, किंतु तब भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत तो गत्वा 3रा प्रहर रात्रि का समाप्त होते ही वहाँ पर एक शक्तिशाली कपाल यक्षिणी प्रकट हो जाती है। यक्षिणी प्रकट होकर कहती है, तूने मुझे क्यों बुलाया है, मुझे सिद्ध करने का तेरा क्या प्रयोजन है। तब वह साधु तांत्रिक सारी बात बताता है और कहता है, मेरी तरफ से युद्ध करके उस योगिनी को रोकने का प्रयास करो और उसे हरा दो, बंदी बना लो, या फिर उस क्षेत्र की जितनी भी शक्तियां हैं उन्हें सबको तुम हरा कर बंदी बना लेना और तब मैं देवी को प्राप्त कर लूंगा। तब यह बात सुनकर यक्षिणी हंसने लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पूरी तरह साथ दूंगी। इस प्रकार वह तांत्रिक अब उस यक्षिणी को साथ लेकर फिर से माता कामाख्या के उस मंदिर की तरफ पहुंच गया, जहां पर रजस्वला स्वरूप में देवी का रक्त रूपी पानी वहां बह रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा एक बार फिर से वही योगिनी सामने खड़ी हो गई अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, और जोरदार चेतावनी में उसने कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार भी समझाया था किंतु तुम नहीं माने, मैं दोबारा से तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाओ। देवी का रजस्वला समय समाप्त होने के बाद आकर तुम चाहे यहाँ पूजा या तपस्या कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, किंतु यह समय देवी को किसी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते। यह बात सुनकर वह तांत्रिक कहने लगा, तुम्हारा जो काम है तुम करो, मैं तो देवी को प्राप्त करके ही रहूंगा, और वह आगे बढ़ने लगा। तब योगिनी सामने आकर कहने लगी, ठीक है, तो फिर मेरे प्रहार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही वह प्रहार करती है सामने यक्षिणी उसके प्रहार को रोक लेती है और कपाल यक्षिणी और उस योगिनी में भयंकर युद्ध होने लगता है। यह देखकर वह साधु हंसते हुए कहता है, तुम दोनों युद्ध करती रहो, अब मैं जा रहा हूँ देवी के पास। यह सुनकर वह योगिनी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है, मुझे अपनी समस्त शक्तियों को जगाना होगा। और योगिनी अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन करती है, वह यक्षिणी को पाश में बांध कर बंदी बना लेती है और एक बार फिर से उस तांत्रिक को गदा मारकर दूर गिरा देती है। तब वह तांत्रिक वहां से भाग जाता है और यक्षिणी भी वहां से गायब हो जाती है। तब दूसरे स्थान पर पहुंचकर वह तांत्रिक साधु यक्षिणी को फिर से बुलाता है। यक्षिणी प्रकट होती है, उससे वह पूछता है, क्या कोई मार्ग ऐसा है जिससे हम इस योगिनी को हरा सके। तब यक्षिणी अपनी ज्ञान मुद्रा बनाकर थोड़ी देर तपस्या करती है और कहती है, चुकंदर के फल के माध्यम से हम इस योगिनी को बंधन में ले सकते हैं। तब
यह बात सुनकर उस तांत्रिक को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन यह कार्य करने के लिए अब समय बहुत कम था। और इसी प्रकार दोबारा उसने प्रयास किया, लेकिन वह योगिनी को परास्त नहीं कर पाया। योगिनी समय समाप्त होते ही गायब हो जाती है, क्योंकि देवी का रजस्वला स्वरूप अब समाप्त हो चुका था और 3 दिन का समय बीत गया था। साधु इस बात को लेकर बहुत खिन्न था कि वह किसी भी प्रकार से देवी के उस रजस्वला स्वरूप की सिद्धि नहीं कर पाया, इसीलिए वह वहीं रहकर 1 वर्ष तक देवी कामाख्या की साधना करने लगता है। और इस प्रकार पूरे वर्ष वह कठिन तपस्या करता है। देवी का रजस्वला समय निकट आ चुका होता है। इधर साधु को पूरा 1 वर्ष तपस्या करते हो चुका था। रात्रि के समय अचानक से ही एक दिन वह देवी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। तब देवी पूछती है कि मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया है, मांगो, मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो। तब वो कहता है, माता, आपके रजस्वला स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा थी मेरी, किंतु मैं प्राप्त नहीं कर पाया और पराजित हो गया। यह पराजय मुझे सोने नहीं देती है। मैं बहुत ज्यादा इस बात को सोचता रहता हूँ कि मैंने स्वयं माता कामाख्या भगवती के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, किंतु अपनी उस पराजय को नहीं भूल पाया। आपकी वह शक्ति कौन थी और कैसे मैं उसे अपने वश में ले सकता हूँ। तब माता कामाख्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, वह मेरी ही इच्छा से उत्पन्न हुई रजवंती नाम की योगिनी है। वह मेरी ही सेवा में रहती है और जब तक मेरा रजस्वला स्वरूप रहता है तब तक वह मेरे क्षेत्र की रक्षा करती है और सभी प्रकार से मेरी सेवा का दायित्व उसके पास रहता है। मुझे कोई परेशान न करे, इसीलिए रजवंती योगिनी सदैव उस वक्त बड़ी तत्परता से कार्य करती है। अगर तुम उससे पराजित हुए हो तो वह शक्ति भी मेरी ही थी, मेरी ही ऊर्जा के कारण उसे परास्त करना संभव नहीं है। तब साधु कहता है, देवी, अब तो मेरे मन में एक ही इच्छा है कि मैं रजवंती को सिद्ध कर लूं, क्योंकि मैं उसे जानना और समझना चाहता हूं, उसकी शक्तियों को जानना चाहता हूं, आपके प्रभाव से वह कितनी शक्तिशाली कैसे है यह समझना चाहता हूं। मुझे यक्षिणी ने चुकंदर के फल के विषय में बताया था, आप मुझे रजवंती को सिद्ध करने की विधि बताइए माता, मैं रजवंती को अवश्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ। तब माता कामाख्या ने कहा कि चाहे चुकंदर का फल हो या फिर अनार, तुम उसे प्राप्त करने की विद्या मुझसे प्राप्त कर लो, मैं तुम्हें इसका दिव्य ज्ञान देती हूँ। और फिर माता कामाख्या ने रजवंती योगिनी को सिद्ध करने की विधि उस साधु को बताना शुरू कर दिया, लेकिन माता ने कहा कि मैं तुम्हें उसे सिद्ध करके नहीं दे सकती, यह तुम्हारी तपस्या और साधना पर निर्भर करेगा। अगर तुम प्रयास करना चाहते हो तो अवश्य कर सकते हो, मेरी कृपा भी तुम्हारे साथ अवश्य रहेगी, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा तपस्या मेरी 1 वर्ष तक की। मेरी यह शक्ति केवल मेरे रजस्वला स्वरूप के समय ही जागृत रहती है, इसलिए केवल 3 दिनों में ही तुम इसे सिद्ध कर सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, साधु ने आखिर आगे क्या किया, जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर ये जानकारी और कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति। और इसी के साथ ही अगर आप इस साधना को खरीदना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके इंस्टा मोजो स्टोर से इस साधना को खरीद सकते हैं। और आने वाले अंबुवाची मेले के पर्व पर किसी भी वर्ष इस प्रकार की यह साधना कर सकते हैं और मात्र 3 दिनों में ही देवी को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। जय मां पराशक्ति।